नमस्कार भव्या सरी न्यूज समय नूपुर। आज हम आपको बात कर रहे हैं भारत के प्रथम सुपरस्टार राजेश खन्ना के विषय में, जिनकी शादी डिंपल कवाड़िया से हुई। और जब शादी हुई थी तो उन्होंने मात्र एक फिल्म की थी डिंपल कवाड़िया ने, वो फिल्म का नाम था बॉबी, जो काफी भारतवर्ष में धूम मचाई थी उस समय, जिसमें उनके एक्टर के रूप में ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर और ये दोनों की जो फिल्म थी सुपर डुपर हिट हुई, और उसमें एक दो बार नहीं 22-22 दफा लोग पिक्चर देखने के लिए गए थे, जहाँ तक मेरे को भी नॉलेज है। और इस चीज़ों को मैंने सुना है अपने घर वालों से या फिर अपने समाज वालों से कि वो 22-22 दफा सिनेमा हॉल में, चूंकि उस समय मोबाइल का ये नहीं था कि मोबाइल पे आप डाउनलोड करें और पिक्चर देख ले, पैसे टिकट कटा करके वो लोग जाते थे और पिक्चर देखते थे। उसके बाद जब राजेश खन्ना से बात चल गई शादी की डिंपल कवाड़िया की, उसके बाद आपको शायद मालूम नहीं है कि जो लोगों ने पहली बार जो रिलीज हुआ था पिक्चर और लोगों ने देखा था, और उसके बाद से बहुत बार पिक्चर सिनेमा हॉल घर में भी लगी है, उसके बाद जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारा सीन ऐसा है जिसको काट दिया गया है, वो राजेश खन्ना ने कटवाया था, इसलिए कि बहुत सारा स्विमिंग सूट में और बहुत सारा ऐसा दृश्य था जो राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि उसमें हमारी पत्नी का या फिर होने वाली पत्नी का वो पूरा जमाना देखे कि इस रूप में डिंपल कवाड़िया की तस्वीर है या फिर इस तरह का पोशाक को पहन करके प्रस्तुत हो रही हैं। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन हालिया आपको बता दे कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे सीन को काटे गए, बाकी कुछ सीन उसमें रखा गया। चूंकि फिल्म मेकर मालूम भी है कि फिल्म मेकर उसके कौन थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सारे सीन अगर हम काटी देंगे तो फिर मेरे पास या फिल्म के लिए बचेगा क्या, तो हमने वो चीज़ जो काटा गया था आपको, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च किए गए थे, राजेश खन्ना ने खर्च किया था और उसके बाद उस सीन को कटवाया गया था। तो आज के दौर में हम उस बातों को इस बात से जोड़ते हैं कि अगर उस सीन में या उस कपड़े में कुछ ना कुछ खराबी रहा होगा, तभी राजेश खन्ना ने उस चीज़ों को कटवाया था, नहीं तो क्यों कटवाते। वो तो खुद एक ऐसे हीरो थे जो उनकी गाड़ी जब लगी रहती थी तो इतनी लड़कियां अपनी लिपस्टिक से इतना उस पर चुम्मन लेती थी कि जब वो निकल करके बाहर आते थे तो देखते थे कि पूरी की पूरी गाड़ी पूरी लाल कलर से, रानी कलर जिस कलर की लिपस्टिक होती है उस कलर से सिर्फ फोटो की उस पर छाप पड़ा हुआ है, और वो लगता था जैसे पंखुड़ी का छाप हो। वो थे राजेश खन्ना। अब उनको एक हीरो को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कटवाया क्यों, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो आज के दौर में उसी चीज़ों को हम जोड़ते हैं कि आज कहाँ चले गए वो लोग। आज जो भी आप देख रहे हैं वेब सीरीज के लिए भी जो पिक्चरें बनती है, या फिर ऐसे ही आप देख लीजिए बॉलीवुड कि कहाँ तक हॉलीवुड बनता चला जा रहा है, जिसको आप एक साथ परिवार में बैठ करके पिक्चर नहीं देख सकते हैं। हम बात उसी बॉबी की कर रहे हैं कि बॉबी पिक्चर जो इतना सुपर डुपर हिट हुई थी, उसके सीन को क्यों कटवाया गया था, इसके पीछे कुछ ना कुछ खामियां थी। तो आज क्या लोगों को खामियां नज़र नहीं आ रही है, जिससे बहुत सारे हीरोइनों को आप देखेंगे, अच्छे अच्छे हीरोइन को वो खुद पर क्यों नहीं भरोसा होता है उनको कि हम कपड़े पहन कर भी प्रस्तुत अगर होंगे तो फिर हम लोगों के दिल में और दिमाग में पूरी तरह बैठ जाएंगे और हम चलेंगे। वो अपने आप को चलाने के लिए कि हम आगे कैसे बढ़ जाएं, हमारा कितना नाम हो, छोटे छोटे ऊपर से कपड़े उतारते उतारते इतना छोटा कर दिए हैं, बस एक नाम मात्र का कहा जा सकता है कि हम ये कपड़े पहने हैं। अब तो बिकने में लोग शूटिंग कर लेते हैं और फिल्मा देते हैं, समझ में नहीं आता फिल्म मेकर को भी, भले ही आप विदेश में चले जाइए लेकिन विदेश की संस्कृति को हमारे इंडिया में क्यों लाते हैं, आप हमारे भारत में क्यों लाते हैं, यहाँ पे भारतीय लोग भी देखते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं, ऐसे पिक्चर बनाइए, आप चले जाइए अपना हॉलीवुड में, हॉलीवुड की तरह पिक्चर बनाइए, कोई ना देखेगा ना बोलेगा, जिसको शौक होता है वही वो हॉलीवुड पिक्चर देखते हैं, बाकी लोग हिंदी भाषी जो भी हैं वो तो बॉलीवुड पिक्चर देखते हैं। तो बॉलीवुड में उस तरह के कपड़े हीरोइनों को पहनाना ये कहाँ तक उचित है, और पहनना उनकी मजबूरी हो या फिर उनका शौक हो, क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज़ मन देखता है धीरे 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 आप छोटे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आप लोग जाते हैं विदेश में और विदेश में उस तरह की चीज़ें देखते हैं जहाँ बिकनी आम चीज़ है, समुद्र पे लोग लेटे हुए हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के, लेकिन यहाँ भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। बॉलीवुड का अगर आप फ्रेम को हटा दीजिए तो बाकी फ्रेम अगर जो मिलता है, या फिर आप मुंबई को भी हटा दीजिए, कुछ पौश इलाका को हटा दीजिए, तो बाकी जो चीज़ है लगभग 95% जो इलाका आता है वो सामान्य वर्ग का आता है। सामान्य का मतलब है पैसे से सामान्यता को नहीं आंका जा सकता है, पैसे वाले लोग ही पूरा ढके हुए कपड़े पहनते हैं, ऐसा नहीं है कि वो खुला हुआ पहनते। तो जो चीज़ हम पहन करके सड़कों पर जा सकते हैं, बाजार में जा सकते हैं, अपना त्यौहार मना सकते हैं और फिर हम वो देख करके पिक्चर भी जा सकते हैं देखने के लिए, उस तरह का पोशाक जो लोग बनाते हैं डिजाइनर,
वो सिर्फ उनके लिए डिजाइन करते हैं, वो तो भारत में हम देखते हुए देखते नहीं है। और उस तरह के लोगों को पहनते हुए भी उतना कपड़ा नहीं देखते हैं, कम कपड़े देखते हैं जिस तरह वो लोग, क्या बिकनी पहन करके लोग यहाँ चलते हैं? क्या हमारे भारतीय संस्कृति में यही चीज़ है? आज बहुत सारा कॉमेंट हम देखते हैं फेसबुक हो या कुछ पे भी, जो लोग कमेंट करते हैं हीरोइनों पे, बहुत सारी गालियां भी दे देते हैं कि उनके पास बचा क्या है अब दिखाने के लिए। जो लोग दिखाते हैं क्या दिखाते हैं अपने फैंस को? अपना जिस्म, वो क्या दिखाने की चीज़ है कि अपना जिस्म दिखाते हैं? आज हम कैसे सोए हैं, कैसे बैठे हैं, क्या पहने हुए हैं, आप भी देखिए। क्यों? पैसे कमाने के लिए? या इतना घटिया हो गया है हमारा बॉलीवुड, इतना खत्म हो गया है कि खुद पे हीरोइनों को भरोसा नहीं है, खुद पे हीरो को भरोसा नहीं है। सिक्स पैक करके सामने आते हैं, देखो हमारा सिक्स पैक कैसा है। आपके जिस्मों में ऐसा क्या चीज़ है कि आपके बॉडी को लोग देखे? क्या है? बॉडी छुपाने के लिए चीज़ बनी है तभी लोग कपड़े पहनते हैं, नहीं तो कपड़े पहनने की जरूरत क्या? ये तो वही चीज़ आ गई ना, हजारों साल पुरानी बातों को अगर आप ले लीजिए जहाँ लोग कपड़े ही नहीं पहनते थे। आप खुद समझिए ढकाव कहाँ है। फिल्म पी के देख लीजिए आमिर खान जी का, आखिर उन्होंने ढका ना, कहाँ के कहाँ पूरे नंगे आ गए। अगर ऐसा होता कि नहीं नंगापन ही किया जाए तो बरसों पुराने की जो इतिहास है उसमें तो लोग बंदर की तरह रहते थे, कोई कपड़े ही नहीं पहनते थे, आदमी के पास ज्ञान नहीं था। लेकिन अभी जो पिक्चर बन रही है तो फिर वो ढकने की जगह आप ढक लेते, बाकी बॉडी को उतना तक खोल देते हैं जहाँ शर्मसार हुए जाते हैं एक अच्छे फैमिली के लोग, जो अपने पिता बगल में बैठे हैं, भाई बगल में बैठे हैं, तो नहीं बन सकते। हर आदमी आपकी तरह नहीं बन सकते कि स्विमिंग सूट पहन करके भाई बहन दोनों एक तरह से स्विमिंग में जाइए, समंदर में नहाइए। ऐसे बहुत कम फैमिली होते हैं भाई और बहनों के साथ नहाने वाले, या तो भाई वहाँ से उठकर चला जाएगा, नहीं तो बहनें वहाँ से उठ के चली जाएंगी, समंदर में नहीं नहाएंगी, एक ही आदमी नहाएगा। आज मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने कहा कि गोवा सिर्फ इसलिए नहीं गए विद परिवार घूमने के लिए, एक सिर्फ गोवा बचा है जहां हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, समुद्र बीच जाएंगे ना तो वैसी ही चीज़ें जो हम देखेंगे, मेरे भाई वो देखेंगे, मेरे पापा वो देखेंगे, तो हर जगह घूमने का है। यही एक शौक रह गया, यही एक तमन्ना रह गई इंडिया में कि हम गोवा घूमते, जबकि गोवा के विषय में बहुत कुछ सुना है, लेकिन बीच पे जाएंगे ना तो वही चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए हम लोग गोवा नहीं गए घूमने के लिए। अब सोचिए हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, पैसे के लिए कपड़े को कितना उतारा जाए, कितना तक उतरवा दिए, या वो फिल्म मेकर हो या कुछ भी। आज हम बता रहे ये शुरू कब से हुआ था, बॉबी से ही ये चीज़ चलन हुई थी, चूंकि बहुत सारे निर्माता ऐसे थे, निर्देशक ऐसे थे जो उड़ान भरते थे, बहुत कम लोग विदेश में जाते थे, और विदेश में गए उनका माइंड खुल गया। अंदर की बातें भले रखिए, अपनी लड़कियों को बेटियों को बाहर नहीं निकाले ये कह के कि मेरी बेटियां फिल्म में काम नहीं करेगी। क्यों? कि दूसरे लोग होंगे वो भी तो कपड़ा मेरी बेटियों को या मेरे परिवार की जो महिलाएं होंगी उनका कपड़ा उतारेंगे, तो उस अनुसार उन्होंने रोक लगा दिया अपने परिवार पे। आप इतिहास पलट के देख लीजिए, आप उनका इंटरव्यू पलट के देख लीजिए, यही चीज़ आपको मिलेगी पढ़ने को और सुनने को और देखने को। उन्होंने नहीं निकलने दिया और उन्होंने सारे हीरोइनों को नंगा किया। कोई ऐसा पिक्चर, अभी नाम लेना उचित नहीं है, आप भी समझ रहे हैं इस चीज़ों को जो हम बोल रहे हैं, उनके फिल्म मेकर जो हैं उनके हर एक फिल्म को आप उठा के देखिए जिसमें आपको ऐसा लगेगा, एक पारदर्शी कपड़े पिन पिक्चर मतलब पारदर्शी कपड़ा जॉर्जेट का कपड़ा पहना करके, अंदर कोई भी अंडर गारमेंट्स नहीं, और उस पर उनको नहा देना ताकि पूरा जिस्म बाहर से हम देख सके और पूरी दुनिया देख सके। इस चीज़ों को आपने दर्शा दिया, दिखाया, आज आप इस दुनिया में नहीं है, आप तो चले गए हमारे भारत को बर्बाद करके, हमारे घर घर को बर्बाद करके। और एक लड़कियों को नंगा दिखाने का मतलब है पूरे भारतवर्ष की लड़कियों को, महिलाओं को नंगा कर देना। आज की डेट में तो हम यही आज की तारीख में बोलेंगे। लेकिन एक चीज और आता है, कहते हैं ना भगवान की भी चीज है कि जैसा पेड़ रोपोगे फल भी आपको वैसा ही पड़ेगा, भले ही मिलेगा या फलेगा। आज मैं आपको बता दूं कि आज अगर आम का पेड़ कोई रोपता है, 60 साल के बाद आम का पेड़ होता है, मान लीजिए 60 साल का इंसान कोई आम का पेड़ रोप दे, वो तो जिंदा हो सकता है, रहे भी ना भी रहे, अगर वो नहीं रहता है, जो फल पड़ता है, फलता है उसमें, उनके बच्चे खाते हैं, बच्चे के बच्चे खाते हैं, उनके लिए वो चीज़ हो जाता है, और वो चीज़ ही जब वो खाएंगे, यही चीज़ हुआ भगवान की प्रक्रिया। आज उसी परिवार के बच्चों को हम देख रहे हैं, उनकी बेटियों को देख रहे हैं, यानी कि उनके यहाँ की महिलाओं को देख रहे हैं, बिल्कुल नेकेड हो करके उस चीज़ों को वो फिल्मा रही हैं और उसमें कोई शर्म महसूस नहीं करती है। कब तक आपने दूसरे को नंगा किया और आज आपके परिवार की बहू बेटियां नंगी हो रही है, ये कहाँ का ये चीज़ है? तो कहते हैं ना कि वैसा ही कीजिए, हम भी वैसा ही कहते हैं। कहते हैं गांधी जी बोल के गए थे, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ये चीज़ों को कब तक हम बताते रहेंगे, कब तक आप बताते रहें दुनिया को? सब लोग समझने को तैयार हैं, फिल्म मेकर क्यों नहीं समझते हैं? पैसा कमाने में इतना मशगूल हो गए हैं, इतना अंधा हो गए हैं कि सबके कपड़े उतार रहे हैं। आज तो कपड़े इतने उतर चुके हैं कि मन नहीं होता कि सिनेमा हॉल में जा करके कोई अच्छी पिक्चर भी देखा जाए। आप पूरा पिक्चर 100% जो पिक्चर बनती है उसमें 10% पिक्चर को अगर हटा दीजिए
जिसमें आज पुनः एक नाम लेंगे फिर राजश्री पिक्चर्स का। उस पिक्चर्स को तो आप परिवार में बैठ के देख सकते हैं, बाकी 10% पिक्चर ही ऐसा होता है जिसमें हम परिवार के साथ मिल करके बैठ करके देख सकते हैं, बाकी 90% पिक्चर ऐसी होती है जिसमें कोई ना कोई गाना। ये सोनाक्षी सिन्हा पर भी ये उम्मीद नहीं किया जा रहा था कि सोनाक्षी सिन्हा वैसा एक गाना गा देगी जिसमें उसकी कपड़े भी नदारत रहेंगी, और उन्होंने भी इस प्रक्रिया से गुजरा, वो भी वैसे ही कपड़े पहने। आज कोई भी हीरोइन ऐसी बची हुई नहीं है आज की तारीख की हीरोइन जिन्होंने नंगे कपड़े को नहीं पहने, जिन्होंने अपने पूरे जिस्म में 75% जिस्मों को खुला नहीं छोड़ा। ऐसी चीज़ों पे सख्त से सख्त रोक लगना चाहिए। सेंसर बोर्ड कहाँ है, कहाँ सो गया सेंसर बोर्ड? और ये जो वेब सीरीज की पिक्चरें हैं उस पर तो रोक लगना चाहिए, उसमें तो विदाउट सेंसर बोर्ड का कैची ही नहीं चलता, वो तो जैसा बनाइए वैसा परसू, सब पैसे की खेल है। क्या हो गया हमारे भारतवर्ष को, क्या हो रहा है, किसी की नज़र क्यों नहीं जा रही है? इधर उधर पे सब भटक रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा जहाँ पे है जो आने वाला कल हमारा क्या इतिहास लिखेगा, कल कपड़े की क्या फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कहाँ तक चलेगा? डिमांड बढ़ता जा रहा है, पैसे की आमदनी बढ़ती जा रही है, सब कुछ होता जा रहा है, लेकिन हमारी मानसिकता क्यों घटिया होती जा रही है? क्यों इस तरह के मानसिकता में हम घट घट जा रहे हैं हर दिन? आज जो भी शो होता है ना, प्रतियोगिता होता है, उसमें भी लोग मॉडलाइज अदनंगे कपड़े पहन करके खुद को प्रस्तुति करते हैं, ये भी बहुत गलत है। इस तरह की कहते हैं ना, जैसा सोच रखी हुआ वैसे ही पढ़ना, सब चीज होता है। अपनी शिक्षा को मजबूत कीजिए, उसमें कपड़े को घटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अपने चीजों को आप उतना आगे ले जाइए कि ताकि आपके आर्ट को लोग देखें, ना कि आपके जिस्म को देखें। हम तो कहना आपसे फिलहाल यही चाहेंगे।